अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपके साथ। कुछ बिजनेस की मसरूफियात में बहुत बिजी रहा, तो आज प्रोग्राम बना है निकलने का गार्डन रूट के ऊपर प्लेटनबर्ग बे की तरफ। तो आज निकल रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, कभी सूरज निकल रहा है, कभी जा रहा है, कभी बरसात है, अजीब सा मौसम चल रहा है आज यहाँ पे। तो आज निकल रहा हूँ मैं, अभी रास्ते में बस निकल हूँ, प्लेटनबर्ग बर्ग पहुँचते हैं, दो चार दिन का टूर करेंगे, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, आपको भी दिखाएंगे क्या हो रहा है। तो रिक्वेस्ट वही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब कराइए, और ऑलरेडी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है मेरा, बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि मेरी कोताही है, मेरी को ढीलपन है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैं बिज़ी चल रहा था, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर करूँ और टाइम निकालूँ। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, शुक्रिया सबका जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया, मेरी व्लॉग्स को देख रहे हैं। मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे के मुताबिक पहले से बहुत अच्छा चैनल ग्रो कर रहा है, मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द ग्रो हो जाएगा। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, कुछ मैं यहाँ रुका हुआ हूँ किसी वजूहत की वजह से, लेकिन बहुत जल्द महीने दो महीने के अंदर अंदर मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल भी इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, और फिर और अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो चलें टाइम ज़ाया करें बगैर निकलते हैं ड्राइव पर, अल्लाह मियाँ खैर खैरियत से पहुँचाए, तो लेट्स गो।
सो हम यहाँ निकल गए हैं ऑलमोस्ट फिर से बाहर। ये बेवेस्ट मॉल है हमारा, बहुत बड़ा मॉल है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का सफ़र अभी है। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बोला, मौसम बड़ा अजीब सा है, कभी बारिश हो रही है, कभी बरसात है, कभी बादल है, कभी कुछ है। तो देखें इस टाइम बिल्कुल डार्क हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 घंटे की ड्राइव है इसको करके तो वहाँ पहुँचते हैं और आपको सारी रास्ते की ड्राइव दिखाते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। चले ड्राइव करते हैं।
तो ये टोल प्लाजा पे हम पहुंच गए हैं। अब ईस्टर्न केप प्रोविंस को छोड़ के वेस्टर्न केप में दाखिल होने लगे हैं। यहाँ पे हम अपना टोल टैक्स अदा करेंगे और उसके बाद हमने दाखिल हो जाएंगे वेस्टर्न केप में, दूसरे प्रोविंस में। और गार्डन रूट का ये हिस्सा है सारा। तो टोल हमने पे कर दिया है और बस हम निकलने लगे हैं। आगे का आपको जो भी मनाजिर आएंगे वो सब वेस्टर्न केप के होंगे। तो लेट्स गो।
सो ऑलमोस्ट प्लेटनबर्ग बे के शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, बहुत ही करीब है अपने रिजोर्ट से। मेरा ख्याल है कोई एक दो मिनट की ड्राइव और होगी बाकी। और मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, काफ़ी रास्ते में बरसात भी रही और डार्क हो गया, रात का टाइम शाम हो गई है, मगरिब का टाइम तकरीबन हो गया है। दो ढाई घंटे की ड्राइव करके शहर में दाखिल हो गए हैं, अब बहुत जल्दी रिजोर्ट में दाखिल होने वाले हैं। ये खूबसूरती है साउथ अफ्रीका की सड़कों की, आप देखें रोडें कितनी साफ सुथरी और लंबी चौड़ी हैं, कोई खड्डा नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे मर्जी ड्राइव करें। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे ड्राइविंग का। फाइनली हम पहुंच गए रिजोर्ट पे, यह हमारा रिजोर्ट है कासलटन, बहुत ज़बरदस्त रिजोर्ट है। कोई 5-6 साल पहले भी हम यहाँ पे आके रुके थे, मगर उस टाइम हम लोग यूट्यूब के नहीं करते थे, इसलिए हमने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई। अब यूट्यूब से ताल्लुक है तो इसलिए अब आपको सारा दिखाएंगे। पहुँच गए यहाँ पर, अब रात को रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन का स्टे है। कंटिन्यू इंशाल्लाह निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नई नई वीडियोज़ बनाएंगे और आप लोग को साथ साथ घुमाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ड्राइव की इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल के लिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली व्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।